एक वर्ग है पसीना वाला आ एक वर्ग है पैसा वाला। पसीना वाला भूखा है, पैसा वाला लूटता है। भारत सरकार के मन को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप मुझे मत दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए कि उन्होंने पैसा वाला का पैसा छीना अब इन पसीना वाले तक पैसा पहुंचाया। आज जब वो पैसा वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। कल में अरुण जेटली जी यहाँ थे और फाइनेंस बिल पर वो राज्यसभा का कोई संशोधन था उस पर मैं पूछ रहा था, तो बड़े बड़े वामपंथी लोग भी विचारधारा वाले प्रोग्रेसिव लोग भी उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं अंदर से भगवान से पूछ रहा था, हे भगवान ये प्रोग्रेसिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, ये गरीब की बात कर रहे हैं कि पूंजीपति की बात कर रहे हैं। आखिर हम उनके लिए भी सोचे जो अछूते हैं, उनके लिए भी सोचे। प्रेमचंद्रन जी मैं जानता हूं कि आपके आपके मन में उनके लिए कर्मचारियों के लिए मन में प्रेरणा है, दया है, सहानुभूति है कि सुखी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसमें भी जिन जिन छोटे कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए आप सोचते हैं या तृतीय वर्ग कर्मचारी के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज के गरीब के बच्चे हैं इसलिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पसीना बहाने वाला किसान और मजदूर रहा अपने खेत में काम किया है, उस पर कभी सोचे? कोई नहीं सोचा। आखिर हमारे लिए ये जनधन भी आया तो आप पीएफ कहिए, लेकिन हमारे लिए वो पीएफ से भी बड़ा पीएफ कहिए कि तीन बार मैं कहूंगा पीएफ है, इसलिए कि हम एक रुपया से बिना पैसा के खाता मेरा खुल गया। अब पहले कोई जाते तो बैंक वाला खड़ा नहीं, घुसने नहीं देता। आखिर ये भी जो मुड़ रही है दृष्टि, इसलिए मैं कहूंगा दृष्टि दिशा और तब संकल्प। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दर्स कहां से पाई। आपने अच्छी बात उठाई है, भारत सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। मैं तो एक छोटा सा मैं एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं और बात अगर मार्के की होती है तो प्रधानमंत्री उस पर नोटिस लेते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि साहब कुछ लॉबी वाले हैं ऊपर वाले, उनके तो लॉबिंग करने वाले हैं तो पुरस्कार लूट लेते हैं, और हम जो गरीब आदमी लोग हैं हमारी लॉबिंग करने वाला कोई है नहीं, तो हमें प्रतिभा जोगता रहते भी हम छूट जाते थे। और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन इस बार कहा पद्म पुरस्कार के लिए लोग आवेदन करे, और ऑनलाइन किया तो कई सौ की हजार लोगों ने आवेदन किया। और जिस दिन सिल्लीगोड़ी के गरीब मुसलमान करीम साहब जो ये चाय बगान की मजदूरी करने वाला को हिंदुस्तान में पद्म पुरस्कार दिया है, तो नरेंद्र मोदी अपनी दृष्टि बता रहा है कि भारत की सरकार की नजर हिंदुस्तान के अंतिम मानव पर है। कभी क्यों नहीं हुआ? ये सागर में मध्य प्रदेश में एक पुरानी महिला है, यादव डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उनको जब पद्म पुरस्कार के लिए जो उनके पास में जब गया तो कितनी उनको प्रसन्नता हुई होगी। उदाहरण में कह रहा हूं कि मैंने जो कहा कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दृष्टि किसकी? तो प्रधानमंत्री जो एक नंबर की कुर्सी पर है उनकी, और उनकी दृष्टि नीचे है कि इसलिए नीचे है कि वह बिना पेंशन वाली माँ के पेट से जन्म लेके आया है। वो ईपीएफ वाले माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, वो गरीबनी माँ के पेट से जन्म लिया, इसलिए उस गरीब के बारे में दर्द है। और इन मजदूरों के लिए भी दर्द है जो बंगारू दत्तात्रेय जी ने कई तरह के कानून बनाए हैं और उसमें संशोधन किया है। मैं ज्यादा लंबा न करूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि प्रेमचंद जी जब आप बोलिएगा ना प्रेमचंद्रन जी, तो आपका नाम प्रेमचंद्रन है साहब, तो जरा प्रेम से किसान मजदूर की भी गीत कभी गा लिया करो, केवल संगठित मजदूरों के गीत मत गायो, एक तरफा मत रहिए। कभी कभी अपने गीत में मेरे भी धुन मिला दिया करो, कभी कभी मेरे अपने गीत में मेरे भी गरीबी और मजबूरी के लय और स्वर बना दिया करो, जिससे कि हमको भी लगे कि अब कुछ लोग गाने वाले आए हैं। आपने इनको दिया कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ
क्या आपने मांग की है कि अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। अन्य क्षेत्र माने जो असंगठित लोग हैं, जिनका कोई कुछ नहीं लेखा जोखा है। मैं तो मांग करूंगा, ये मनरेगा है ना साहब, मनरेगा का पैसा है ना, उस पैसा में मजदूर को मजदूरी में देते हैं ना, तो अब मनरेगा के पैसा से ही हमको किसान के मजदूर को वो पेंशन में डाल दीजिए। कम से कम दूर कल्याण तो होगा कि बुढ़ापे में भी हमको दो रोटी मिलेगी और अच्छे से मकान में रह सकेंगे। ये इसलिए मैं उठा हूँ। और मैं अपने अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूँगा इस सदन से भी और इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से भी, नीति आयोग वाले से भी, और हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान और जो समाज के लोग आज लोकसभा चैनल देख रहे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, मैं उन सब कहूँगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहाँ कहीं भी होइए, गांव में हो अपनी आवाज़ देते रहो। डॉक्टर लोहिया हमें सिखाया था, हुकुम बाहुकुम चंद, खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहे हल की मूठ पर लेकिन तुम्हारी नज़र रहे लाल किला पर, क्योंकि वही लाल किला से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर ओर हर दिन बढ़े कि हम लाल किला पर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना, मूर्ति के हाथ में संविधान है, ऐसी उंगली उठाए हुए संसद के तरफ। मैं एक बार अपने 3-4 साथी MLA के साथ आया था जनवाणी दिवस में, जिसमें पटेल चौक पर राजनारायण जी की टांगे तोड़ दी, आजाद फर्नांडिस को समूचे हड्डी चूर कर दिया था, जो आज भी उस भुक्त भोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है, उसमें मैं आया था। हमारे MP MLA लोग को साथ आए, चलो लोकसभा देखे, तो मैंने कहा देखो ये मूर्ति कुछ कह रही है, तो लोगों ने कहा कि सबने, अरे पागल हो गए हो, ये पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी। मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूँ, तो बोलो क्या सुनते हो। मैंने कहा ये मूर्ति कह रही है, ए हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, श्रमजीवियों, मैं तुम्हारे लिए संविधान में बहुत अधिकार लिख के जा रहा हूँ, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है।